नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 20 प्रो वर्सेस एकू 9 SE 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो एज 20 प्रो में 6.42 इंच जबकि एकू 9 SE 5G में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो एज 20 प्रो में 2.99 इंच जबकि एकू 9 SE 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो एज 20 प्रो में 0.31 इंच जबकि एकू 9 SE 5G में 0.33 इंच की थिनेस मिलती है, जो कि एज 20 प्रो से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो एज 20 प्रो में 190 ग्राम्स जबकि एकू 9 SE 5G में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि एज 20 प्रो से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो एज 20 प्रो में OLED जबकि एकू 9 SE 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो एज 20 प्रो में 6.7 इंचेस जबकि एकू 9 SE 5G में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एज 20 प्रो में 87.49% जबकि एकू 9 SE 5G में 84.86% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो एज 20 प्रो में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि एकू 9 SE 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो एज 20 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और एकू 9 SE 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो एज 20 प्रो में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और एकू 9 SE 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो एज 20 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और एकू 9 SE 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो एज 20 प्रो में Adreno 650 जबकि एकू 9 SE 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो एज 20 प्रो में Qualcomm Snapdragon 870 और एकू 9 SE 5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो एज 20 प्रो में 8GB की RAM मिलती है जबकि एकू 9 SE 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो एज 20 प्रो में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि एकू 9 SE 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एज 20 प्रो में एंड्रॉइड V11 जबकि एकू 9 SE 5G में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो एज 20 प्रो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 36,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें इकू 9 SE 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 33,990 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 37,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला एज 20 प्रो में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इकू 9 SE 5G की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में एज 20 प्रो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में इकू 9 SE 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।